Let's do question number 32 of exercise 6B, that is coordinate geometry. Question number 32 is, find the ratio in which the point P lying on the line segment joining the point AB divides it. हमें ratio निकालनी है जो कि P point ने divide किया है AB को जो joint थे. Also find the value of y और हमें इस y की value भी निकालनी है. तो देखिए हमारी ये line है AB. ये आई हमारा A point और ये आया B point और ये एक P point है जिसने AB को divide किया है. तो A के coordinate से -3 and 10 और B के coordinates हैं हमारे 6 and -8 और P के coordinates हैं हमारे -1 and y. तो हमें y की value निकालनी है और ratio निकालनी है. तो हम let कर लेते हैं, let the ratio be m is to n मान लेते हैं, right? तो m is to n मान रहे हैं, तो हमारा देखिए ये हमने माना m is to n में है, तो हमारा x1 y1 क्या हो गया, x1 हो गया -3, y1 हो गया 10, इसी तरीके से x2 हो गया 6 और y2 हो गया -8 और x क्या हो गया -1 और y तो y है ही, right? बीच के पॉइंट्स हम y मानते थे ये वाले. तो अब देखिए कैसे करेंगे, अब हमारे यहाँ पे दोनों कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है, एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है. तो जो कांस्टेंट है उसके थ्रू हम रेशियो निकाल लेंगे. तो हमारे x दे रखा है, x का सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था, m x2 plus n x1 upon m plus n. अब x दे रखा है हमें -1, m m है ही, x2 हमारा है 6 plus n n है, x1 कितना है -3 और m plus n. अब ये m plus n इधर चला गया, तो -1 की मल्टीप्लिकेशन m plus n में और इधर आया 6m प्लस माइनस माइनस 3n. अब ये ब्रैकेट ओपन कर लिया तो ये दोनों माइनस के हो गए, इक्वल्स टू 6m माइनस 3n. अब m की वैल्यूज एक साइड और n की वैल्यूज दूसरी साइड, तो ये आ गया माइनस m, 6m इधर आ गया तो माइनस का हो गया, इसी तरीके से माइनस 3n, n उधर चला गया तो प्लस का हो गया. तो ये आ गया माइनस का 7m इक्वल्स टू माइनस का 2n. माइनस माइनस कैंसिल हो गए क्योंकि एक दोनों प्लस के थे तो ऐड हो गए, एक प्लस का एक माइनस का था तो सब्ट्रैक्ट हो गए. तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिख रही हूँ m के नीचे n ले आई, इसी तरीके से 2 के नीचे 7 ले आई, तो रेशियो कितनी आ गई, रेशियो इज 2:7. इसका मतलब P ने AB को 2:7 रेशियो में डिवाइड किया. अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y क्या हुआ, y हुआ हमारा वही फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज y m y2 plus n y1 upon m plus n. तो m हमारा आया 2 क्योंकि यहाँ m की जगह 2 है, n की जगह 7 है. y2 कितना है हमारा, y2 है -8 प्लस n है 7 और y1 है 10 अपॉन 2 plus 7. तो ये कितना आ गया, माइनस का 16 प्लस का 70 अपॉन 9. अब आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए तो कितना आया, 10 में से 6 गया 4, 6 बच गया, 6 में से 1 गया इज 5 अपॉन 9. तो 9 6 54, तो y की वैल्यू कितना आ गया, हैंस पॉइंट p कितना आ गया, p इज -1 and 6. हमारा p पॉइंट आया -1 and 6 क्योंकि y की वैल्यू 6 आ गई है. इज द आंसर.